ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं प्रकार। तो परागण की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये स्वपरागण क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि परागण की क्रिया में पराग कोष से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पराग कोष से निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, जब एक पुष्प के, जब एक पौधे पर लगे पुष्प के पराग कोष से परागकण निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ठीक है, कहां पहुंचे हैं, जब एक पुष्प के, एक पुष्प है उसका जो है यहां पर पराग कोष था, ठीक है, और उसी के साइड में होता है उसका वर्तिकाग्र। तो क्या हुआ कि उस पुष्प के पराग कोष के फटने पर वहां से क्या निकले, परागकण निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या तो फिर वही सेम प्लांट, वही सेम पौधा जो है उस पर मान लीजिए एक और पुष्प लगा है, तो यहां के पराग कोष से परागकण निकले और उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो दोनों ही कंडीशन में ये कहलाता है स्वपरागण। ठीक है, क्या हुआ कि जब एक पुष्प के पराग कोष से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या तो फिर उसी पौधे पर लगे हुए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, या तो पराग कोष से परागकण निकलकर उसी सेम फ्लावर, सेम उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने चाहिए, या तो फिर उसी पौधे पर, अगर एक पौधे पर ज्यादा फ्लावर्स भी हो सकते हैं, तो अगर एक फ्लावर के परागकण पोलन ग्रेन्स वहां से निकलकर जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते, तो इस क्रिया को भी हम लोग कहते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, कि जब एक पुष्प के पराग कोष से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग आते हैं परपरागण में। अभी परपरागण क्या होता है कि जब एक पौधे, ये दो अलग अलग पौधों के बीच में होता है, तो इसलिए हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा, ये होता है हमारा स्वपरागण है और सेकंड हमारा परपरागण। अब परपरागण में क्या होता है, परपरागण में हम लोग सिंपली देखते हैं कि जब एक पौधे के पुष्प के पराग कोष से परागकण निकले और यहां से निकलकर किसी अन्य पौधे पर लगे हुए पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, जब एक पौधे के पराग कोष से परागकण निकलकर किसी अन्य पौधे पर, ठीक है, ये दूसरा पौधा जो है इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परपराग। ठीक है, एक ही पौधे पर लगे अलग अलग पुष्प हैं और उनके पराग कोष और वर्तिकाग्र के बीच में होता है स्वपरागण, और जब एक पौधे के पराग कोष से परागकण निकलकर कहां पहुंचते हैं, किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते वहां वर्तिकाग्र पर है, तो उसे हम लोग कहते हैं परपरागण। तो परपरागण की क्या डेफिनेशन देंगे हम लोग, कि जब एक पौधे के पराग कोष से परागकण निकलकर किसी अन्य पौधे पर स्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परपरागण। ठीक है, परपरागण को हम लोग देखें तो अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, एक ही पौधे के पराग कोष और वर्तिकाग्र के बीच में होता है स्वपरागण, तो स्वपरागण एक ही पौधे के पराग कोष और वर्तिकाग्र में हो रहा है यहीं पर, तो यहां पर इनको यहां से यहां पहुंचने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग परपरागण की बात करें, क्योंकि एक पौधे के परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचना है, तो इसके लिए उनको जो है थोड़ी दूरी पर जाना पड़ सकता है, थोड़ी डिस्टेंस कवर करना हो सकता है, तो जब वो दूरी पर जाने का काम उनको आएगा,
तो यहां पर हमको जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो पर परागण है इसको फिर से हम लोग जो है माध्यम के आधार पर कुछ भागों में विभाजित करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने कहा कि पर परागण की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम के आधार पर परागण की क्रिया जो है तीन प्रकार से होती है। माध्यम के आधार पर परागण तीन प्रकार का होता है, वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण। ठीक है, वायु परागण यानी एनिमोफिली, जल परागण यानी हाइड्रोफिली और जंतु परागण यानी जूफिली। अब जो जंतु परागण है, अब देखो वायु परागण तो वायु के माध्यम से होगा कि वायु के माध्यम से एक पौधे के परागकण परागकोष से निकलकर उड़ के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। जल में जो जलीय पौधे हैं उनमें जो है जल द्वारा होगी, जल द्वारा माध्यम मिलेगा उनको एक दूसरी जगह जाने का परागकणों को। और जंतुओं में, अब जंतुओं द्वारा परागण होता है कि जंतु जो है स्वयं उन परागकणों को एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक लेकर जाएंगे। तो ये क्रिया जो है अलग अलग प्रकार के जंतुओं के द्वारा होती है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है। जैसे कि ये क्रिया कीटों द्वारा होती है, कीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई जो पुष्प होते हैं उन पर बैठते रहते हैं और वहां से अपने लिए मकरंद जो रस होता है उनका वो अपने लिए निकालते रहते हैं, वहां से चूसते रहते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कीट जब एक पुष्प पर कीट बैठते हैं तो जब वो यहां बैठेंगे तो उनके पैरों में उनके पंख में परागकण चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो कुछ परागकण वहां के वर्तिकाग्र पर उसके द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कीट द्वारा परागण होता है। कीट द्वारा होने वाले इस परागण को हम लोग कहते हैं इंटोमोफिली। नाम ध्यान रखना है हम लोगों को, इंटोमोफिली। अगला होता है पक्षी द्वारा परागण। पक्षी भी इसी प्रकार की क्रिया करते हैं। जो बड़े जैसे बांस का पुष्प है या अन्य जो बड़े पुष्प होते हैं उनमें पक्षियों द्वारा ही परागण की क्रिया होती है। पक्षी जो है एक से दूसरे पुष्प पर परागकणों को लेकर जाते हैं। अगला आता है चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ रात्रिचर है और रात को खिलने वाले जितने पुष्प होते हैं उनमें ज्यादातर परागण चमगादड़ द्वारा ही होता है। और चमगादड़ द्वारा होने वाले इस परागण को हम लोग कहते हैं चिरेप्टेरी फिली और पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली। यहाँ पे चमगादड़ द्वारा क्या बताया, चिरेप्टेरी फिली। और घोंगे जो स्नेल होते हैं उन घोंगों द्वारा जो परागण होता है, घोंगे इस प्रकार के जंतु होते हैं बारिश के समय में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो जो घोंगे होते हैं उनके द्वारा जो होने वाला परागण होता है उसे हम लोग कहते हैं मेलकोफिली। तो हम लोगों ने कहा कि माध्यम के आधार पर परागण तीन प्रकार का होता है, वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण। परागण में हम लोग समझ चुके हैं स्वपरागण और परपरागण। अब इनमें दोनों में जो डिफरेंस जो अंतर है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो है कि हमारा स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में क्या अंतर है। नंबर एक सबसे पहले हमारा पॉइंट बनता है, स्वपरागण की जो क्रिया है वो एक ही पौधे के परागकोष और वर्तिकाग्र के मध्य होती है। अभी हमने देखा कि स्वपरागण की क्रिया में परागकोष से परागकण निकलते हैं और या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के, यानी कि एक ही पौधे के परागकोष और वर्तिकाग्र के बीच में क्रिया होती है। जबकि परपरागण में क्या होता है कि दो भिन्न पौधे, दो जो अलग अलग पौधे होते हैं, एक पौधे का परागकोष होता है दूसरे का वर्तिकाग्र, तो उनके बीच में यह क्रिया देखी जाती है। अगला पॉइंट आता हमारा द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगला पॉइंट हमारा है कि द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी कि पौधे में परागकोष भी होना चाहिए, पौधे में वर्तिकाग्र भी होना चाहिए। परागकोष है यानी कि नर जननांग, वर्तिकाग्र है यानी कि मादा जननांग। तो पुष्प में परागकोष भी होना चाहिए और वर्तिकाग्र भी होना चाहिए, यानी कि पौधे को द्विलिंगी, उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल होना चाहिए। जबकि इसके लिए ऐसा आवश्यक नहीं है, अगर पौधे पर नर जननांग नहीं है तो दूसरे पौधे से उसे परागकण प्राप्त हो जाएंगे। अगर किसी पौधे के पास मादा जननांग नहीं है तो उसके परागकण किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं, तो इसके लिए ये आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट आता है हमारा माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम आवश्यक नहीं होता है। हमने देखा क्योंकि स्वपरागण में परागकणों को वहीं पर पहुंचना है, ज्यादा दूरी नहीं है, परागकोष और वर्तिकाग्र बिल्कुल पास पास से होते हैं,
तो यहां पर ज्यादा दूरी नहीं है तो उनको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि तीन तरह के माध्यम होते हैं, तीन प्रकार के माध्यम होते हैं, मुख्य रूप से वायु, जल और जंतु। इन्हीं के द्वारा जो है परागकण एक पौधे के पराग कोष से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहीं पर माध्यम के यहां पर हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि जब भी पर परागण की क्रिया होती है तो एक और पॉइंट आता है कि इसके लिए पुष्प का ज्यादा आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, पुष्प का बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर पर परागण की क्रिया करनी है तो फिर पुष्प का आकर्षक होना चाहिए, पुष्प बड़ा होना चाहिए, पुष्प में सुगंध होनी चाहिए, पुष्प रंगीन होना चाहिए, या तो फिर उसके अंदर मकरंद रस होना चाहिए ताकि कीट उसकी तरफ आकर्षित हो सके। जब पुष्प बहुत छोटा रहेगा तो पुष्प आकर्षित नहीं, कीट आकर्षित नहीं होंगे। जब पुष्प में कोई सुगंध नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो फिर कीट आकर्षित नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या है कि पर परागण के लिए पुष्प का आकर्षक होना चाहिए, जबकि स्व परागण के लिए आकर्षक होना आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट है कम परागकणों की आवश्यकता होती है। अभी हमने देखा कि स्व परागण एक ही पुष्प के पराग कोष और वर्तिकाग्र के बीच में होता है, तो वहां पर बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, वहीं के वहीं परागकणों को पहुंचना है, तो उनको जो है कम परागकण भी होंगे तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। अब क्या हुआ कि एक पौधे के पराग कोष से परागकण निकले, उनको यहां पहुंचना था, गलती से हवा इसका रुख इस दिशा में हुआ तो कुछ परागकण इस दिशा में गिर जाएंगे, कुछ परागकण जो है ओवरस्टेप कर जाएंगे, ऊपर से निकल जाएंगे, बाहर की तरफ गिर जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा परागकण क्या होंगे, वेस्ट होंगे। तो इसके लिए पर परागण के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट हमारा आता है शुद्ध लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक ही पौधे का नर जननांग, उसी पौधे का मादा जननांग, यानी कि उसी पौधे का नर युग्मक, उसी का मादा युग्मक, तो दोनों मिलकर जो पौधा बनेगा वो उसी के लक्षण वाला बनेगा, तो इसलिए लक्षण शुद्ध रहेंगे। जबकि यहाँ क्या होगा, पर परागण में, पर परागण में नर युग्मक अलग पौधे से आ रहा है, मादा युग्मक अलग पौधे से आ रहा है, तो दोनों मिलकर संकर लक्षण वाले पौधे उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा बीज कम एवं छोटे उत्पन्न होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब बार बार स्व परागण की क्रिया होती है तो पौधों का जो है ओज गुण या उनकी जो है बीज उत्पन्न करने की क्षमता कम होती चली जाती है। इसके लिए इसके कारण पौधे बीज जो होते हैं वो कम उत्पन्न होते हैं, साथ साथ छोटे भी होते हैं, उनका साइज भी जो है छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब पर परागण होता रहता है तो बीज अधिक और बड़े उत्पन्न होते हैं। एक और पॉइंट है लास्ट में हमने लिखा है कि स्व परागण पर परागण की जो स्व परागण की जो क्रिया है ये सदैव होती है, क्योंकि एक ही पुष्प के पराग कोष भी वही है, वर्तिकाग्र भी वही है, तो आसानी से ये क्रिया हो जाती है, तो ये सदैव होता है, जबकि पर परागण के कभी कभी नहीं भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। कभी कभी हो सकता है माध्यम ना मिले तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं पाए, तो इसके कारण इसके नहीं होने की संभावनाएं भी बनी रहती है। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलते हैं आपको लास्ट में, वो क्या होगा कि स्व परागण द्वारा जो उत्पन्न बार बार इसी के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, उनमें रोग जल्दी लग जाते हैं, वो अनुकूलन क्षमता उनमें कम होती है। लेकिन जब पर परागण द्वारा पौधे उत्पन्न होते हैं तो मैंने आपको कहा था कि दो पौधों के लक्षण आ जाते हैं, तो दो पौधों के लक्षण आने के कारण उनकी अनुकूलन क्षमता ज्यादा होती है, वे रोग से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं और साथ ही साथ प्रबल पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ये हैं कुछ प्रमुख अंतर।